माता सीता के कुछ ऐसे श्राप जिसे कलयुग में भी भुगता जा रहा है। राजा दशरथ के मृत्यु के बाद श्री राम और लक्ष्मण ने निश्चय किया कि वो जंगल में ही पिंड दान करेंगे। श्री राम और लक्ष्मण जंगल में ही आवश्यक सामग्री को जमा करने के लिए निकल गए। समय बहुत बीत गया, तभी वे दोनों नहीं आए। तब माता सीता ने निर्णय लिया कि उनके पास जितने भी सामग्री मौजूद है उन्हीं से वो पिंड दान करेगी और विधि पूर्वक ये पूजा सफल भी होगी। माता सीता ने फल्गु नदी, कौआ, गाय, ब्राह्मण, तुलसी तथा वट वृक्ष को इस बात का साक्षी बनने को कहा। परंतु जब श्री राम और लक्ष्मण वापस लौटे तब सभी ने झूठ बोल दिया, केवल वट वृक्ष ने पूरी सच्चाई बताई। इससे क्रोध में आकर माता सीता ने सभी को श्राप दे दिया। उन्होंने फल्गु नदी को श्राप दिया कि वो नाम का ही सिर्फ नदी होगा, उसमें कभी भी जल नहीं। उन्होंने कौवे को श्राप दिया कि उसके अकेले खाने से कभी भी पेट नहीं भरेगा। उन्होंने गाय को श्राप दिया कि वो पूजनीय हो के भी उसके सिर्फ पिछले हिस्से यानी कि दूध की पूजा की जाएगी और उसे हमेशा लोगों के जूठन खाना पड़ेगा। और उन्होंने ब्राह्मण को श्राप दिया कि उसे कितना भी मिलेगा परंतु उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। तथा उन्होंने तुलसी को श्राप दिया कि वो कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी।